रंजन जी पीछे तो आप लोग रह जाते हैं, बस ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, यही आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं ना। अगर आपको शक है तो आप केस दर्ज कराइए, उठाइए आवाज। पूजा जी, राजीव जी बड़ा ढंग से विश्लेषण कर दिए। अब भाजपा के हमारे प्रवक्ता जो है तो बड़ा लंबा चौड़ा तकरीर दे रही है, बड़ा जोश में बोल रही है, सारे आंकड़े आपके साथ सामने। और यह जो कह रही हैं कि यहाँ कांग्रेस का भी राज था, तो कांग्रेस का जब राज था यहाँ पर तो उस समय कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जब आरोप लगाया गया तो कांग्रेस सरकार अपने नेताओं के खिलाफ जांच करवाई। यही भाजपा के लोग उस समय जो है सो 2G स्पेक्ट्रम और कई अन्य मामलों को उठाने का काम किया, लेकिन अंत में रिजल्ट क्या हुआ, सारे के सारे निर्दोष साबित हुए। वह एक उदाहरण है। और यहाँ पर क्या हो रहा है भाजपा में कि जो अभी राजीव जी कई नाम गिनाए कि जो भ्रष्टाचार पर जिन पर आरोप है अगर भाजपा में चले गए फिर वह बंद हो जाता है। अभी इसी शराब मामले में ही बता रहा हूँ, इसी शराब घोटाले मामले में यहाँ तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी का कविता जी का नाम आया। अब वहाँ पर चुनाव हो रहा है, अब वहाँ पर इनका समझौता है KCR के साथ। अब समझौता जो हुआ अब उसमें जो सो कविता जी पर कहाँ समन हो रहा है, कहाँ कविता जी को फिर बुलाया जा रहा है, तो ये सामने उदाहरण है। तो देखिए इनको भरोसा हो गया है, इंडिया गठबंधन बनने के बाद में भाजपा काफी घबरा गई है और इनको अति हो गया कि जनता इनके साथ में नहीं है, जनता इनके खिलाफ में पूरे देश की जनता खड़ी है और अब इनके पास में एकमात्र CBI ID IT यही इनका सहारा है और बार बार न्यायालय की दुहाई देते हैं। ठीक है, अभी जो है सो जिन लोगों को जेल में आपने डाल दिया है, सुनवाई होगी, कोर्ट में फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीना के अंदर में इसका जो है सो आप निष्पादित कीजिए इसको, लेकिन तत्कालिक तौर पर तो उसको घटा हुआ कि नहीं घटा हुआ। अब आप राजस्थान में चुनाव हो रहा है, वहां के मुख्यमंत्री के बेटा के आप रेड कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है देश के इतिहास में? ऐसा कभी हुआ? एक उदाहरण बता दीजिए कि जिस राज्य में चुनाव हुआ हो वहां पर जो है सो ईडी और सीबीआई और IT की जो है छापामारी कर रही हो उन नेताओं के खिलाफ जो कि एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा में खड़े हैं। ठीक है, यह जो जनता देख रही है और जनता का भरोसा ही खो चुके हैं। ठीक है।